लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने वाले इस बूढ़े पैदाइशी फकीर का नाम है मंधारी। अपने पुराने दो अजीम दोस्तों के खो जाने का गम दिल में दबाए भटकता फिरता है ये चित्रकार मंधारी, जिसने सनातनपुर और उसके बड़े बड़े सौदागरों के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। बचपन तो ईश्वर का रूप होता है, वो क्या समझे राजा और रंग के भेदभाव। एक बार बीरू की गाड़ी को धक्का देते राजू के पांव की हड्डी टूट गई तो वैद्य जी ने राजू को 15 दिन स्कूल जाने से मना किया। बीरू ने भी भगवान के सामने प्रण लिया कि जब तक राजू की टांग ठीक नहीं होगी वो भी एक टांग पर चलेगा। ऐसी थी दोस्ती राजू बीरू की। गांव के गुंडे बलीराम ने जब राजू की बहन पर नजर डाली तो बीरू से रहा नहीं गया। बलीराम, तेरी ये मजाल कि तूने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया, हरामी कुत्ते। राजू, बलिराम, तेरी तो हम गर्दन तोड़ देंगे। तू छोड़ दे इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दे इस उठाई की रेखा। नहीं बीरू, इसने हमारी बहन पर नजर डाली, इसका तो हम खून कर देंगे। राजू भैया, नहीं राजू, तू इसका खून नहीं करेगा। तुझे मेरी कसम है राजू, तुझे बीरू की कसम है। भगा दिया ना उसे, दे दी अपनी कसम। हाँ मैंने कसम दी, लेकिन तू उसका खून नहीं करेगा राजू। ना बीरू, यार ये दुनिया गोल है क्यों, यार ये दुनिया गोल है क्यों, हर एक चीज का मोल है क्यों, ये सब है हेरा तेरी, ये सब है हेरा तेरी, प्यार में कोई हेर न थे, इमली का बूटा बेरी का।
राजेश्वर की बहन पाली कांता वीर सिंह से मन ही मन प्यार करने लगी थी। जब ये राज राजेश्वर की पत्नी ने समझ लिया तो राजेश्वर दूसरे दिन ही बीरू की बड़ी बहन से बीरू और पाली कांता की शादी की बात पक्की करने गया। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे पगली, तुझसे ज्यादा खुशी तो हमें है। आज के बाद ये दोस्ती रिश्ते में जो बदलेगी। बहना मेरी, सुना तुमने जीजा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पाली कांता की शादी पर उस वीर सिंह को 1200 एकड़ की पहाड़ी और अपना ठाकुरगढ़ दे रहे हैं। चुनिया बाबू, अगर सारी धरती पर हमारा राज होता तो वो भी हम बीरू को दे डालते। बीरू का पता किया वो कहाँ है? जी हाँ, मुझे कहकर गए हैं। रामधर शास्त्री की बेटी की शादी पर दुर्गापुर गए हैं। शादी पर? हाँ, शादी पर। नहीं सेठ जी, नहीं, बरात मत वापस ले जाओ। मैं दहेज की पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। बारात वापस जाएगी, चलो बेटे। नहीं मालिक, नहीं, एक बार मंडप से दूल्हा चला गया तो फिर कौन करेगा इससे ब्याह? ओ रामधर जी, कोई जरूरत ना ऐसे कमीने लोगों की मिन्नत समाजत करने की। हमारे लड़की हमारे गांव का मान हो गया है। मान इतना मान रखे है तो कर लेना शादी इस तरह से। और पीरू, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सारे इस सब पढ़ने दो, हमारी लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और कुछ नहीं होना, मैं जो कह रहा हूँ। तो फिर कौन करेगा इससे ब्याह? अरे इससे क्या पूछे है, जिसे खुद दहेज में 1200 एकड़ जमीन मिली है। अब अपनी बहन के लिए सुहाग का जोड़ा नहीं, कफन मंगवाई ठाकुर जी, कफन। आपके दोस्त ने खूब दोस्ती निभा दी। राजू मुझसे पूछ तो सही यार, तू ये क्या हुआ? हम तुमसे क्या पूछें, ये पूछें कि तुम यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गए? ये पूछें कि तुमने बरसों की दोस्ती को देखते देखते जिंदा क्यों गाड़ दिया? क्या ये पूछें कि तुम हमारी बहन की लाश को अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो? राजू मर गया, राजू खत्म हो गया बीरू। ए दगाबाज दोस्त, क्यों और आग लगाए हैं यहाँ? ले जा इस मनुष्य को। कमीने कुत्ते, तेरी ये बात ले जा इस रानी के यहाँ से। वीर सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हमारे हाथ खून से रंगे जाएं, तुम चले जाओ यहाँ से। तेरे ठीक ही क्या यार, ये राजू मर गया और बीरू खत्म हो गया, तू ऐसे समझ ले। चल लक्ष्मी, देख लिया सब। राजेश्वर सनातनपुर छोड़कर विदेश चला गया। दोस्ती का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 25 साल गुजर गए। उधर राजेश्वर विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रहा था और इधर उसके दो बेटे अपना पालीनगर बना लेने की कसम खा चुके थे। ये गजेंद्र और देवन का वादा है मामा,
कि सनातनपुर के हर खेत पर हमारे कारखानों का राज होगा, उनका हर किसान हमारा गुलाम होगा। बीरू यानी बीर सिंह आज गांव का मुखिया बन चुका था। उसके भी दो जवान बेटे थे जो फलों और सब्जियों के सौदागर बन चुके थे। कहते हैं जीवन संगिनी से टीका लगाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। आपकी नई नई बातें और नए नए तरीके कभी सुना है कोई बाप अपने बेटे को सीटी बजाना सिखा रहा हो? बाप ने मारी तीतरी, बेटा तीरंदाज। वाह भी। बाप तो बाप, अब बेटा भी सीटी बजाना सीख रहा है। वाह भी। वाह भी क्या? देखा वहाँ तेरा भाई क्या कर रहा है? गगन क्या कर रहा है? वो बंदूक में गोलियां भर रहा है। खबर बिल्कुल सच्ची है गगन भैया। चुनिया की साजिश सिर्फ हमारे किसानों को ही खत्म करने की नहीं बल्कि राजेश्वर और दादाबीर को भी खत्म कर देने की है। अब देखना पड़ी राम, यानी दोनों की सम्मति वही बनेगी। ए समझे तू राजनीति? बाय गॉड, कुत्ते का दिमाग पाया तन्ने। बलिराम ने ठीक कहा चुनिया बाबू, लेकिन कुत्ते भी तो अपने मालिक से वफादार होते हैं। तुम समझते हो तुम्हारी राजनीति कामयाब होगी? नहीं। एक दिन तुम सनातनपुर के राजा बनोगे? नहीं। दादा बीर और राजेश्वर सिंह की कब्र बनाओगे? कभी नहीं। तुम उनकी मोहब्बत की टहनियां काट सकते हो, उनकी जड़े नहीं। ये कभी नहीं होगा। और तुम जैसे राक्षस का पर्दा राजेश्वर बाबू के सामने मैं फाश करूंगा। मैं इंतजार करो चुनिया, अपने विनाश का, अपनी बर्बादी का। महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकार्य शिव समाधान बन गई, लेकिन अब बिन बच्चे की मां नहीं बन सकती। मेरे वासु को मत भेजो। अरे बावड़ी, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। हमारे वासु को सनातनपुर में जान का खतरा है आचार्य जी, इसलिए बाबा की ये इच्छा है कि इसे आप अपने शरण में बड़ा करें और शस्त्र विद्या दें। लेकिन आचार्य जी, इस हिंसा का कोई अंत तो होगा। मंधारी, अगर प्रेम का अंत हिंसा करती है तो हिंसा का विनाश भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है। बाकी तो काल चक्र है, जो होगा सो होगा। जी कलेक्टर साहब, हम पालीनगर लौट आए हैं। विशाल की मौत के बारे में हम आज रात आपसे मिलेंगे। जरूर, आप मेरे घर आइए, यही कोई 9 बजे।
कांप मत, काम हो गया है। षड्यंत्र रचा आपके जिगरी दोस्त पीर सिंह ने कि हम कुछ कर ही नहीं सके और आपको 14 साल की कैद हो गई। 14 साल तो क्या, ठाकुर राजेश्वर सिंह 114 साल की कैद के बाद भी लौटेगा और फिर वीर सिंह को अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखेगा। इलाके पर डेरा जमाए फौजी अफसरों ने दिन रात हो रहे इस खून खराबे को रोकने का जिम्मा लिया। सनातनपुर और पाली नगर के बीच बह रही ब्यास नदी को इन दो गांवों की सीमा बना दिया गया और दोनों ने अपने अपने संरक्षक तैनात कर दिए। कई साल और बीत गए। उधर राजेश्वर जेल की सलाखों में जल रहा था और इधर दादा वीर, उसने अपने किसानों के हाथों में बंदूकें थमा तो दी पर दोस्त की दोस्ती को भूल ना सका था। नशे में डूबे इन पूंजीपति मर्दों की दुनिया में सभ्य औरतों का कोई स्थान न था। ठाकुर हवेली से ये मधुर स्वर समझते देर न लगी। ये गज्जा की बेटी राजेश्वर की पोती राधा है जो दिल्ली कॉलेज से पढ़कर यहाँ पहली बार छुट्टियां काटने आई है। बेटी, तुम गज्जा बाबू की बेटी हो ना? जी हाँ। और आप यहाँ के मंधरी काका है ना? अरे वाह। राधा, तुम फिर अपने कमरे से बाहर आई? जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो अपने कमरे से कदम बाहर रखा तो। कम आ जा। मोंटी, उदास हो? तुम और हम मिलकर डांस करेंगे, कम ऑन। नो थैंक्स। स्वीट स्वीट हार्ट,
डैडी आई लव हर, आई लव हर। तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए। पापा आपकी शादी? ये है तेरी तीसरी माँ। क्या थर्ड मम्मी? मेरा ना कम्मी और मेरा रम्मी, मैं यम्मी। पापा बहने हैं इसकी, दहेज में आई है। ओह चुनिया यू आर वेरी नॉटी। अंग्रेजी बोलिए। राधा अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहना को? मैं दिल्ली वापस जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे 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 क्यों? जिसे देखो वो डांटते ही रहता है। डैडी कितने बदल गए माँ के मरने के बाद। बड़े पापा होते ना तब सबको पता चलता। हाँ अरे पगली मैं भी तो हर साल यहाँ आता रहता हूँ छुट्टियों में। यहाँ किसी को किसी से प्यार नहीं, महल है दौलत है बस। दम घुटता है यहाँ पे। अरे मैं सुबह सुबह घुड़सवारी करने जाता हूँ, तू भी चलना मेरे साथ घूमने। साथ? अरे अमला अपने घर से किशन जी की मूर्ति लाई है ना? हाँ लाई हूँ बाबी। हाँ। लेकिन क्या बात है, इस साल जन्माष्टमी की तैयारियाँ बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। क्यों ना हो। 14 साल के बाद इनका लाडला भतीजा वासुदेव जो आ रहा है कलिया। हाँ, हमारे सनातनपुर का राजकुमार आ रहा है। ओ गगन कमाल है यार, तुम लोग अभी तक यहीं लगे पड़े हो। भाई तैयारी करो, उधर लाली पर्वत जाना है, वासु को कल लेके आना है यहाँ। ओ बड़ी जी आरती बिटिया कहाँ है? जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, सारे काम धरे पड़े हैं अभी तक। थारी लाडली बहू आरती कमरे में बैठी है आचार्य की चिट्ठी लिए हुए। हाँ वासुदेव की तारीफें पढ़ रही है। दो दो बार तो पढ़ चुकी है। अरे क्यों नहीं पढ़ेगी, क्यों नहीं पढ़ेगी? अरे उसका बेटा जो आ रहा है जवान बेटा, गुणी और सुरवीर, बिल्कुल मेरी तरह। खारी तरह? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। कौरव कालिंग कंस विनाशी हिमकर पाणी प्रसाद प्रकाशी सर्वभूत मैया की बोलो जय कन्हैया की। तो आजा
क्या कहा? वो देखो फायर, आई सेड फायर, फायर। वासु कहाँ है? मालूम नहीं। वो सब लोग वासु को ही ढूंढने गए दादावीर। जाइए आपका पाली नगर आ गया, घर जाइए। सुनिए, दुश्मनों की नगरी में आना ठीक नहीं मेम साहब। क्यों? आप समझ गई ना क्यों? फिर आइएगा यहाँ। जी हाँ। जी नहीं। सुनिए, फिर आइएगा तो सिर्फ इस सीमा तक आइएगा। वैसे वासुदेव नाम है मेरा, दुश्मनों का लड़का हूं। वासु, 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 वासु। माँ, शोर में तूने मेरी आवाज सुन ली बेटा? माँ की आवाज तो पाताल में रहकर भी सुनाई देती है माँ, और फिर इतने बरस मैं आपकी आवाज और बाबा की सीटी ही तो सुन रहा था। झुक झुक जियो मेरे बच्चे, मैं छुप के आई हूँ तुझसे मिलने। क्यों? वासु, भी मना किया था तुम्हें, कहां गया था तू? तू घर पर नहीं, सुरक्षा दल में जाकर रहेगा। चल, असो, ये तुम्हारी तरह वो जवान है जो सनातनपुर की रक्षा के लिए अपना घर छोड़कर आए हैं। आज के बाद तुम इन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, समझे? नहीं मेरे लाल, ये सब क्या है दादू? तेरे चाचा ने ठीक ही किया है वासु, आजकल दुश्मनों का भारी अत्याचार हो रहा सनातन होता, और इसी खातिर मेरे वासुदेव कहना आज के बाद
वही कृष्ण का रूप लेना जो महाभारत के रण क्षेत्र में था, और लड़ना जब तक कि दुश्मन घुटने न टेक दे। आपकी आज्ञा होगी और वासु का सर कटेगा दादू। दुश्मनों का सर कटेगा तेरा क्यों कटेगा बेटे, दुश्मनों का सर कटेगा। वो लोग हमारे दुश्मन हैं, खबरदार उस नदी की तरफ एक भी कदम बढ़ा तो तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा, समझे? वो कौन था जो तुम्हें गेट तक छोड़ने आया? मालूम नहीं पापा। आज हम वासु को दुश्मनों का वो गढ़ दिखाएंगे जिसे हमें एक दिन नष्ट करना है। ठाकुरगढ़? हाँ, वो ठाकुरगढ़ जहां सौदे होते हैं हमारी जिंदगियों के विदेशियों के साथ। लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? फौजियों के भेस में। नहीं वासु, वासु! अंधेरा क्यों है? गांव की बिजली चली गई है बेटी, संभल के जाना कमरे में, गांव में दुश्मन घुस आए। आइएगा। क्यों? राधा नाम है मेरा, दुश्मनों की लड़की हूं। सुनिए,
अरे बाबा, आज तो वासु ने कमाल कर क्या? दुश्मनों के किले में अकेला घुसा, उनसे लड़ा, उन्हें मारा, खुद गोली खाई, गोली खुद निकाली और वापस आ गया। अरे आखिर पोता किसका है? आप शहरी लोग इसे गुड लक गुड लक कहते हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ शुभ शुभ बात होने वाली है आपके साथ। अच्छा। जी गुड लक, आपके सिपाही। मैं तुम्हारी हिफाजत, प्रोटेक्शन। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकती हूँ मिस्टर, स्टे हियर। जी हाँ, हर मैजेस्टी राधा सिंह ठाकुर। वाह जी वाह, 4 फुट की लड़की और 4 मील लंबा नाम। जी हाँ, हाई क्लास इंग्लिश में नाम इसी तरह से लिखा जाता है। हमारी अंग्रेजी जरा आपसे बढ़कर है। यानी? अच्छा बताइए इसका मतलब क्या है? टी? जी हाँ, सिर्फ टी। टी, टी फॉर टिकट। मैंने कहा सिर्फ टी। सिर्फ टी मतलब? टी का मतलब चाय। चाय? जी हाँ, चाय, टी, चाय। चाय। अच्छा अब बताइए इसका मतलब क्या है? सी 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 कैट। जी नहीं, सी का मतलब देखो, देखना, सी। हाँ, एक क्लास इंग्लिश है जी, शॉर्टकट, शॉर्ट। अच्छा ये बताओ, ये 3 अक्षर मिल जाए तो क्या बनता है? आई एल यू, इलू। इलू का मतलब? इलू का कोई मतलब नहीं होता। होता है, है। नहीं होता है, 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 है। सोचो। राधा, कुनाल आ गया है, मैं चलती हूँ। सोचिएगा, सारी रात बैठकर सोचिएगा मैम साहब के इलू का मतलब क्या। लेकिन एक क्लू तो दे दो ना, इधर उधर का कुछ हिंट तो दे दो। हाँ, जब बाग में कोई फूल खिला तो भवरे ने कहा इलू इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू इलू। इलू इलू, हाँ जल्दी बताओ ना इसका मतलब, मेरी किसी से शर्त लगी है। इलू इलू। अरे पगली, इलू का मतलब आई एल यू। मतलब? आई लव यू। Kilo, 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 kilo,
ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इलू 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 इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू 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 इलू। जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। इलू का मतलब आई टेल यू, आई टेल यू। इलू का मतलब आई लव यू, 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 आई लव यू। Ilu 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 ilu
मतलब आई टेल यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चौदह साल जेल में रहने के बाद आज पाली नगर के ठाकुर राजेश्वर सिंह अपनी हवेली वापस चले आए। राजेश्वर सिंह। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा, बड़े पापा। बेटे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ गई थी? मुझे पता ही नहीं था कि आप आ जाने वाले हैं। बेटे, हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। ओ मंधारी। आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। राजेश्वर, गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। आओ मंधारी आओ। हर बरस एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था तुम्हारा मंधारी। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। देखो, एक छोटी सी भेंट लाया हूं तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हें कुछ याद दिला सके। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में राजेश्वर। या तो इस तस्वीर को उठाकर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे मंधारी। अगर तुम हमारा फैसला
बी सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्त मेरा वादा। सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कौन से पूछ के गए थे तुम इधर? कौन तेरे मशवरा दिया रहा उधर जाने का? जरूरत आ पड़ी तेरे को जान की? आखिरी उम्मीद लेकर गया था मंदारी के पास, इस सोच के कि 14 साल में ऊ का माथा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा। 14 साल बोले? अरे 114 साल भी अगर गुजर जाए ना तो का माता ठंडा होने वाला नहीं। कोई जानवर का जानवर रहेगा वो। माल के बीच में लकड़ी की चौकटे में बनी तस्वीर के ऊपर तलवार चलाए वो। अरे तेरे तो क्या करना था? और अजय सर, अगर तेरी इतनी गर्मी है ना तो घर के बाहर निकल, मैदान में आ, सामने खड़ा मिलेगा तेरे दादा वीर, फिर तेरे जिगरा होए तो तू चला तलवार। शिव कसम, दादा वीर अगर एक उंगली उठा दे ना मंधारी, एक उंगली उठा दे दादा वीर, तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। अरे ईट से ईट बच जाएगी, सपाट होके रह जाएगा। दादा वीर छोड़, दादा वीर दादा वीर ना कटा दी मेरी कन्ने वहां जाके। अब दिख लेना तू, भाई जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका, वो तो बस आसमान पे घूमता फिरेगा आकाश के अंदर। सर इंजन में कुछ खराबी है। तो पाली नगर वापस ले लो। नहीं सर, यही सनातनपुर में उतरना पड़ेगा। वो क्यों? पाली नगर तक जाने में एक्सीडेंट हो सकता है सर। ठीक है यही उतरो, लेकिन यहाँ भी दुश्मन है सर। तो भाई एक्सीडेंट में मरने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर ले। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। तुम यही उतरो। ओके सर। भैया तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह? और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह, आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। साहब के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की राजेश्वर, जहां पे तू खड़ा है ना राजेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती हैं, निहत्ते आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए के शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी। जा रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। देखो अमला, दादाजी ने घर के चारों तरफ पहरे और बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा वक्त और दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर। वासु, पापा ने मेरा हवेली से बाहर आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं शायद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। बारूद फटकर धरती को चीर सकती है राधा, लेकिन तालाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है। लोग अच्छा बोल लेते हैं आप। एक्शन भी अच्छा कर लेता हूँ। रियली? लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासु? इसका तरीका ढूंढ लाया हूँ मैं। तरीका? ये तीन रंग के गुब्बारे हैं ना? हाँ? अगर तुमने लाल रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मैं समझूंगा ठहरो खतरा है। अच्छा, और अगर मैंने ये पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो? पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब याद आ रही है इलू इलू।
और अगर ये हरे रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब आ जाओ, और फौरन एक पंछी बनकर आ जाऊंगा तुम्हारी हवेली में। वाह मेरे प्रेम के पंछी, 50 बंदूकें तैनात है हमारी हवेली के आसपास। बुला कर तो देखिए बंदूकें चलती हैं या आशिक का जादू। चैलेंज? चैलेंज, अगर इस सौदे में मैं जीत गया तो फिर क्या दोगी? ना बाबा, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था तो पता चला कि सब लोग राजा महेंद्र के साथ समस्तीपुर गए शिकार खेलने। हाँ, शिकार का शौक तो उसे बचपन से है। मानधारी, तुम तो उनके बचपन के दोस्त हो, उनको कोई रोशनी दिखाओ ना यार। कर्नल साहब, जो घर बरसों से अंधेरों में बंद रहा हो उन्हें बाहर की रोशनी किस काम की? उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है। ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं। जिस दिन होगा ना शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा कर्नल साहब, एक टांग पर। ब्यूटीफुल, आह ब्यूटीफुल। ये क्या किया तुमने? क्या गुब्बारा था तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो मेरा गुब्बारा था। सो व्हाट, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अंदर जाओ वो बात। Thank you.
सब सामान कहाँ से लाऊं, डोली सहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं, और ये मेरे दादू हैं। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के धाम से, ये तो होना ही था। तुम दोनों की मोहब्बत पर मंधारी के 10 जन्म कुर्बान मेरे बच्चों। वाह वाह वाह। हम समझे नहीं मंधारी काका। यही तो तुम्हें मालूम नहीं बेटा, तुम दोनों जिनकी औलाद हो वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है, और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त थे। जी सुनोगे इनकी कहानी तो सुनो। समझ गया ना सारी कहानी। ए दुश्मनी जान लेवा है बछड़े, और तू सनातनपुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे, ए बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो। कौन सी बात चुनिया बाबू? कुछ बात नहीं जीजा जी, मैं समझा रहा था। मैं इसे बोल रहा था कि सनातनपुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना। बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, उसका जहर भी पी सकते हैं, लेकिन सनातनपुर का पानी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे बेटे। ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके हैं। अगर तुम दोनों की मोहब्बत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। अगर ये किनारे हमारी मोहब्बत की गंगा को रोकने की कोशिश करेंगे मंधारी काका, तो फिर ये गंगा भी बाढ़ बनकर इन किनारों को तोड़ देगी, और फिर एक सैलाब आएगा। नहीं मंधारी काका, मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खुशी के लिए आप भी सब गम भुला सकते हैं। हम उन दोनों को फिर से दोस्त बना देंगे, है ना? हाँ मंधारी काका। सुन लिया प्रभु, सुना तुमने? अब परीक्षा तेरी है दोस्त, मेरी नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि तू इनकी मोहब्बत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदी। हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया है कुणाल, बाबा बच्चे को लेके दादा भीर के पास गए हैं, तुम जल्दी आओ, तुम्हारे इंतजार में अमला। ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ बेटा? होलाराम, राधा है तो कहना कि मैं शहर चला गया, 2-3 दिन में लौटूंगा या फिर फोन करूंगा। ठीक है। ये बच्चा राजेश्वर के पोते कुणाल का है बाबा, उसने अमला को प्रेम जाल में फंसा कर अपनी वासना का शिकार बनाया, यानी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। इसका जवाब हमें देना होगा बाबा, देना होगा। सबसे पहले अमला बेटी को हमारे पास लेके आओ।
बच्चे को जन्म देते ही वो कुणाल को ढूंढने पाली नगर गई है दादा वीर। कुणाल मोहनलाल जी। जी मुझे कुणाल से मिलना है। कुणाल से मिलना है जी, बहुत जरूरी काम है उनसे। तेरी कहानी में समझ गया बछड़ी, तू घबरा नहीं। मामा मैं कुणाल का मामा। अच्छा अच्छा चल उसके पास। ठाकुर राजेश्वर सिंह शिकार से लौट रहे हैं। खानदान को बदनाम करने की नई साजिश है। अरे बदनाम को क्या बदनाम करना गज्जा बाबू, आज सारा गांव जान गया है कि तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े गरीब की बेटी से छुपकर शादी की और उसे ये निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसकी हत्या कर दी। खबरदार, अगर हत्या का इल्जाम मेरे मासूम बेटे पर लगा तो। हत्या देखी है? अभी दिखा सकते हैं। एक लाश नहीं, 10, 50, 100 हजारों हजारों लाशें मिलेगी पूरे गांव से। यू गॉट इट? इतना गुरूर है अपनी ताकत पर तो चला गोले और देख ले कि आज तेरा पूरा खानदान कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। चला गोले, चला। राजेश्वर, मेरे लगे तारे ये बेटे जो है ना, या तो ये अंधे हैं या फिर बहरे हैं। अंधे यूं हैं कि सामने वो आदमी उस बेचारी लड़की की लाश लिए खड़ा है पर इनको वो लाश दिखाई ना देती, और वो बच्चा बिलक बुलक के रो रहा पर इनके कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती। वीर सिंह, हमारे बेटे अंधे नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। अंधे इसलिए नहीं
के सारे तमाशे के पीछे छुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं। राजेश्वर जी, ये बात हमारी मारी दुश्मनी की तो ना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते भीतर के जज्बात की बात हो रही। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती है वीर सिंह। राजेश्वर साहब, ये जज्बात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के, जो आपसे अपने रिश्ते का हक मांगने आया है, और हक हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। और आप देख लेना, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के, और ये इसलिए आएगा कि इसकी मां के साथ बड़ा जुल्म हुआ, हरी बेवफाई हुई इसकी मां के साथ। चलो, आज तुम्हें बेवफाई का मतलब तो समझ आया। इस गांव का प्रधान बनने से पहले बेवफाई के प्रधान तुम्ही तो थे वीर सिंह। आज भी हमारी बहन पाली कांता की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती है तुम्हारी बेवफाई के नाम से चीखती हुई। ये तुम ही नहीं, सनातनपुर का इतिहास जानता है। तकदीर के हादसों से ना इतिहास नहीं बनता राजेश्वर, और पुराने जख्मों को अगर तुम खरीदोगे तो खून के फव्वारे फूट निकलेंगे राजेश्वर। शिव कसम, तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। गरीब और मुफलिसों की छाती पर कदम रखने वाले तुम और तुम्हारे ये बेटे गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी जायदादें खड़ी करने वाले तुम लोग, वो तो इतिहास की बात करते हो। कत्ल के इल्जाम में तुमको अदालत में 14 साल की सजा दी ना, कम दी, कम दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना था, फांसी के तख्ते पर। कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। और अब सुनो, इस ठाकुर का फैसला ना ये बच्चा हमें कबूल है और ना कभी कबूल होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर, तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुन लो। आज के बाद ये मासूम बच्चा जो है ये सनातनपुर में ही मेरे पास पल के बड़ा होगा, मेरे पास। लेकिन जिस दिन तक तू या तेरी औलाद इस बच्चे का हक कबूल नहीं करेगी, उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्याह नहीं होने देंगे राजेश्वर। माली नगर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चढ़ने देंगे हम। कसम है मुझको मेरी और मेरे बच्चों की, कसम है मुझे सनातनपुर के हर बच्चे बूढ़े और जवान की, कसम है, कसम है, कसम है। अगर ऐसा कभी हुआ, जब कभी हुआ, तो वो सनातनपुर का आखिरी दिन होगा। आखिरी वार्निंग देता हूं, लास्ट वार्निंग, कि आज के बाद अगर किसी भी तरफ से गोली चली
तो मैं आपके हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए सरकार से अपील करूंगा। समझ गए ना आप लोग? ये क्या हो रहा है दादा वीर? राजेश्वर भाई आप लोग बड़े, आपको कुछ कहना चाहिए। कसम तो इन लोगों ने खाई है, हमें तो सिर्फ जवाब देना है, जवाब। इन्हें समझाइए कर्नल साहब, इन्हें, जिन्होंने कसम खाई हमारे बच्चों को खत्म करने की। और ऐसी कसम राक्षस ही खा सकते हैं। अरे राक्षस तो ये पूरा परिवार है कर्नल साहब, जिनके पापों की निशानी आज भी हमारे माथों पर मड़ी हुई है। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। मैंने आपको यहाँ शांति के लिए, सुना के लिए बुलाया है। तो फिर बुलाइए उस बच्चे के बाप को कर्नल साहब, इनके साहबजादे को, और पूछिए उससे कि सच क्या है। यहाँ बुलाऊं किस लिए? इन खूंखार लोगों के सामने अपने बच्चों की बलि देने के लिए? हरगिज नहीं, नेवर। लेकिन आपका बेटा है कहाँ? मैं आज ही अपने दोनों बच्चों को दिल्ली भेज रहा हूँ। क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? जी नहीं, वो तो अभी तक स्टेशन पहुंच गए होंगे। ये क्या कह रही हो राधा? यही सच है कुणाल, मैं वंशु के बिना नहीं रह सकती। दादा, 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 दादा। मैं तो कायर निकला, लेकिन तुम्हें कायर नहीं बनने दूंगा। तुम जो ठीक समझो वही करो। दादा। बेटी। राधा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे कहा ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ तुम, जाओ यहां से। लेकिन आप मोहब्बत के मसीहा हैं, यही सोचकर तो आए आपके पास। क्या करूं, तुम्हें यह सलाह दूं कि तुम दोनों भाग जाओ और शादी कर लो ताकि ये दोनों भड़के तुम दोनों का खून कर दे, या यह सलाह दूं कि तुम दोनों आत्महत्या कर लो ताकि दोनों गांव में गोलियां चले, खून हो और सैकड़ों बेगुना मारे जाए, ये सलाह दूं क्या? तो हम क्या करें मदारी काका? बस एक ही सलाह है मेरी कि लौट जाओ अपने अपने घरों को और भूल जाओ अपनी मोहब्बत। मोहब्बत के लिए हम अपने घर की चौखट छोड़ चुके हैं मंदारी काका। तो कहां जाओगे? भगवान के घर। चलो राधा, ताकत के सामने मोहब्बत के पैगंबर अपनी हार मान सकते हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं। हेरो, भगवान के पास जाओगे, आत्महत्या करोगे, कायर। एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन खतरनाक है, चल सकोगे? बड़े पापा, हाँ मैं कुणाल बोल रहा हूँ। कुणाल बेटे, राधा कैसी है? राधा, बड़े पापा वो अपने कॉलेज स्काउट कैंप में शिमला गई है, 2 महीने में लौटेगी। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना, समझे? जी बड़े पापा। लेकिन पापा, हमारे बच्चों की शादी? शादी होगी और जरूर होगी। ये मत भूलो गजेंद्र कि अगर वीर सिंह जैसे हमारे दुश्मन हैं तो राजा महेंद्र सिंह जैसे हमारे दोस्त भी हैं। राधा के लिए हमने लड़का देख लिया है। नहीं नहीं मंदारी काका, यह असंभव है, असंभव। इसमें खतरा ही खतरा है। खतरों के जाल में फंसकर तुम यहां तक आ चुके, अब मेरे पास तो यही एक उपाय है बेटी, आखिरी उपाय, आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद? लेकिन मंदारी काका, इसमें हमारी हत्या हो सकती है। नहीं राधा, मंदारी काका ठीक कहते हैं, यह हत्या आत्महत्या करने से तो बेहतर होगी, और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा। लेकिन वासु, इनका मतलब पत्थरों से पानी निकालने का है। अगर फरहाद अपनी महबूबा शीरी के लिए पहाड़ खोदकर दूध की नदी निकाल सकता है,
तो हम भी इन पत्थरों से प्रेम की गंगा निकाल सकते हैं। हमें आपकी दी हुई परीक्षा मंजूर है मंदारिका का। वासु! वासु! चल। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। किसकी इजाजत से भागे थे वहां से हथियार छोड़कर? इसलिए चाचा क्योंकि अब मुझे आपके हथियार नहीं उठाने हैं। क्या? हाँ चाचा, आखिर क्या दिया इन हथियारों ने हमें? खून, लाशें, अनाथ बच्चे, विधवा औरतें। अरे मूर्ख, यही चीजें तो दी है पाली नगर वालों ने हमें, इसीलिए तो ये युद्ध है। लेकिन नहीं करना है मुझे ये युद्ध जो बदले की भावना में सदियों तक तो चलता रहे। ये बदला मेरे भैया का है, तुम्हारे बाबा का है। मेरे बाबा ने ये सब नहीं चाहता, वो तो दुश्मनों को नहीं दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। तो फिर हम समझ लें कि तुम्हें युद्ध से इनकार है। युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें? हाँ बेटा ठीक ही बोल रहा तू, कोई जीते या कोई हारे कार बन के तो नहीं न रह सकते हम। लेकिन दादू तेरिया बात सब सुन रही है हमने बेटे, जब तेरी उम्र का मैं था ना मुझे भी ऐसी बातें करने का बड़ा शौक था। लेकिन आज मेरे आदर्श मुझे हथियार उठाने से मना कर रहे हैं दादू। गगन, जब इसकी आत्मा ही नहीं मानती तो इसके हाथ क्या उठेंगे और गोली क्या चलाएगा? ये भेज दो इसके वापिस आचार्य जी के पास, इसको भेज दो। ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया तुमने दादा भी, ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वाला था। वो तो कही क्यों ना, कहना था ना। कर देर आए दुरुस्त आए, अब मैं तो कल जा रहा हूँ लाली पर्वत आचार्य जी के पास, तुमको तो छोड़ रहा हूँ इसको भी उनके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आचार्य जी के पास जाना और आचार्य जी को कहना कि जब हम लोग यहाँ लड़ मर लेना और सब खत्म हो जाए तब भेज दें अपने इस किशन को हमारे पास बंसी बजाने के लिए, अपनी सिट्टी बजाता फिरेगा इन पहाड़ियों में सिट्टी। माँ मैं थोड़े ही दिनों के लिए तो जा रहा हूं। माँ तू मेरे पास आए कब था बेटा? मैंने तो सिर्फ तुझे तस्वीरों में ही बड़ा होते देखा। दादू मुझे माफ कर देना दादू। ओ नदान, तू क्या जानता है मेरे दिल का टुकड़ा है तू, मेरे दिल का टुकड़ा। आओ आओ, अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, ये भी मेरा ही घर है। जन्मा भी यहाँ था और मरूंगा भी यहीं पे। हाँ जन्मे का तो मालूम नहीं लेकिन मरेगा तो तू जरूर यहाँ। राम राम बड़ी दी। देखो एक बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और दूसरी बच्ची को छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे पास। बच्ची? अरे यार मंधारी की जिंदगी में भी ना जाने क्या क्या नाटक लिखे हुए हैं दादा। नाटक की बात करे तू? अरे वो कनकपुर में थी ना अपनी एक सरस्वती बहन। सरस्वती बहन? अरे यार वो पंडिताइन। ओ पंडिताइन, वो तो साला साल हो गए मर गए बेचारी। अरे वो तो मर गई मगर उसकी एक विधवा बेटी थी ना वो सुमित्रा, सुमित्रा वो तो जिंदा थी ना। हाँ तो उसके क्या हुआ? वो भी मर गई कल रात को। ओहो वो बेचारी भी मर गई? हाँ वो तो मर गई मगर साथ में मुझे भी मार गई। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि इस बच्ची को अनाथ बना गई तो पड़ोसी इस बच्ची को मेरे पास ले आए तो मैंने सोचा कि मंधारी तू तो 2 महीने के लिए लाली पर्वत जा रहा है तू इसका क्या करेगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि इस घर से भला इसके लिए और कौन सा घर हो सकता है। तुझे ये घर क्या अनाथालय लागे है? बड़ी दी 2-3 महीने की बात है, घर का काम काज करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी। अरे तू कही की तो घर की नौकरानी बनकर रहेगी। हाँ तू फिक्र ना कर मंदारी, इस बच्ची ने ना इसी घर में रहना।
देख बेटी, तू चिंता ना कर, बस ये घर तेरा अपना ही है, ऐसे समझ। चल तो जवान तैयार? सब कुछ तैयार है। आइए, आपको सीमा तक छोड़ देता हूँ। हाँ, सीमा तक। चलो, संध्या होने वाली है, चलो। देखिए, आप रोइए मत। मैं समझ सकता हूं कि आप एक घर से बेघर होकर इस घर में आई हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस घर के कण कण में प्यार भरा है और सभी आपको बहुत प्यार देंगे, है ना मां? हाँ। गुड लक। जब कोई शुभ शुभ बात होने वाली हो तो उस वक्त गुड लक कहते हैं। के नाम है तेरा छोरी? जी जी राधा। वासु, हमारी आखिरी उम्मीद है, इसका ख्याल रखिएगा। गगन, वासु हमारी भी आखिरी उम्मीद है, इसका तो ईश्वर ख्याल रखेगा। चलो बेटे। समझ गए ना वासु, इस प्रेम परीक्षा में तुम्हें पत्थर में फूल खिलाना है, राजेश्वर की उस दोस्ती, उस मासूमियत को वापस लाना है। अब जाओ। करण, करण बेटी, ये लीजिए अपनी बंदूक। थैंक यू बेटी, थैंक यू। राजा महेंद्र सिंह, थैंक यू ऐसे नहीं कहा जाता, थैंक यू ऐसे कहा जाता है। लो बेटे, तुमने बहुत दिलेरी दिखाई। जी जी। अंकल, आपने उस लड़के की इतनी छोटी सी बात के लिए आपकी कीमती अंगूठी दे दी। छोटी सी बात नहीं थी बेटे, उसने तुम्हारी जान बचाई है, और तुम्हारी भी जान और राजा महेंद्र सिंह की भी जान हो। राजेश्वर जी, अब आपको राधा की शादी की तारीख के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो तो सोच ही रहा हूँ। अरे तुम? जी। यहाँ कैसे? जी वो आपकी अंगूठी वापस करने आया था जी। वो क्यों? मुझे अंगूठी नहीं, नौकरी चाहिए। जरूर मिलेगी। हाँ बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कृष्णा। कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अकल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से? फल। मालिक का हुक्म, नौकर की जान। सबसे बड़ा रिश्ता? दोस्ती। ओ, दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। हाँ।
तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। तुम पास हुए। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया, शुक्रिया जी। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वो क्यों चुप होगा? बहलों का तोहफा जो ठहरा। ओ बर्दी, तू जरा आपड़ी जबान तो बंद करना। क्यों इस मुसीबत को घर में धरे है? वो राक्षस इधर ही बम गिराएंगे एक दिन। हाँ तो क्या खड्ड में फेंक देता इसको मैं? ओ, ओ। बड़े बाबा मुझे ये बच्चा दे दीजिए। हाँ बेटी तू ले जा, तू ही चुप करा इसको। ले ले। अच्छा ये तो जाते ही चुप हो गया तेरी गोद में। ये तो कमाल ही हो गया। रिश्तेदार जो दिखे है इसका। बच्चे का रिश्ता तो बुआ भी ममता से होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ देख बेटी राधा, आज से बच्चा है ना इतनी जिम्मेवारी। मेरे सर का बोझ तो अलग हो गया। बच्चा भी चुप और पर्दे भी चुप। दोनों के दोनों चुप। कुछ बताया कीजिए श्याम बाबू जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास करती है? मुझे बचा लीजिए ना आप, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। खबरदार, इस बारे में जरा सी भी जुबान खोली तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ मैं कहता हूँ, एक मारूंगा। तुम औरत पर हाथ नहीं उठाते दोस्त। ओ तो तुम क्या इसके खसम लगते हो? नहीं, वो तो आप है, आपका फर्ज है उसकी हिफाजत करना, उस पर हाथ उठाना नहीं। मुझे फर्ज सिखलाता है मुझे। क्यों रे, तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? साहब वो तो ये साला मुझे पंच दिखला रहा था। अच्छा, मुझे भी तो जरा इसका पंच देखने दे। जी जी, आपको क्या दिखा तेरा पंच? नहीं साहब जी, आप मालिक लोग हैं, मालिक लोग पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। क्या बोला तू? कम ऑन मास्टर जी, कम ऑन। वो तो शो मी, बात तो सुनिए जी, शो मी पंच। श्याम निकाल जुलूस साले का। साले आज मैं तेरे मुंह पर। सर, एक तो लड़कियों को छेड़ता है और जब मैंने मना किया तो मुझ पर ही हाथ उठाया इसने। साहब जी, साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, साहब जी मैं बेकसूर हूँ। नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो, छोड़ दो इसे। एक बात का जवाब दो जी, जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराधी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराधी। तो फिर तुम बड़े अपराधी हो। हम तुम्हें इसकी सजा देते हैं, ये पिस्तौल लो और उसे शूट कर दो। जी मैं? हाँ तुम। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुजदिली बन जाए। Shoot him, shoot him. तुम्हारा निशाना क्यों चूका? आपका हुक्म मैंने मान लिया साहब जी, क्योंकि आपका हुक्म इसे शूट करने के लिए था, इसे खत्म करने के लिए नहीं। अगर मैं इसे मार देता साहब जी तो इसके साथ दो और जाने जाती, एक उस औरत की और उसके होने वाले बच्चे की। सुना भाई तुम लोगों ने, हम तो पहाड़ खोद कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्थरों पर घसीट रहे थे। हमने तुम्हें ताकत दी तो तुमने जुल्म किए, हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया। यही फर्क है तुम लोगों और इसमें। इसने तुम्हारी जान बख्शी इसलिए कि अब तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका ये इनाम मिलेगा कि अब हमेशा ये हमारे साथ रहेगा। आओ कृष्णा। पापा को क्या हो गया? पता नहीं,
से आए हो तुम? कड़कपुर से। या सनातनपुर से? कड़कपुर से जी। किसका बेटा है तू? अनाथ हूं जी। बंदूक चलानी कहां सीखी? बाप फौज में था जी। यहां कैसे? दो वक्त की रोटी, रहने को घर। उसके अलावा अगर हमारे घर में झांकने की कोशिश की तो याद रखना, तुमसे ज्यादा हमें बंदूक चलानी आती है। जानता हूं जी। छोड़ दो इसे। दादावीर, अमला के खून के वक्त कुणाल धुलीपुर पहुंच चुका था, वो यहाँ नहीं था। ये बात साबित हो चुकी है दादावीर। ये बच्चा कुणाल का है और ने कुणाल के आई जाना है। ये बात अगर कानून से मान ले तो ठीक है, और जो ना माने तो गोलियों से मनवा लेंगे हम। दादावीर हौसला रखो, मामला कोर्ट में दर्ज है। एक बच्चे के लिए सैकड़ों का खून तो नहीं बहाया जा सकता। खून जब भी बहाया करना है साहब, पाली नगर वालों की तरफ से पहले। क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में अगर रहना है तो आंख और कान बंद करके रहना होगा, समझे? जी। लखीराम, इस पर नजर रखो। राधा। घर की सब साफ सफाई हो गई कृष्णा? जी हाँ साहब जी, लेकिन वो नीचे वाले कमरे में ताला लगा है और उसकी चाबी शायद आपके पास है। हाँ, वो नीचे का कमरा हमारी राधा का है ना, उसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। ये क्या कर रहे हो तुम? जी वो एक तस्वीर के दो टुकड़े मिले, उन्हें जोड़ रहा हूं। कौन सी तस्वीर? जी ये वाली। सफाई करते करते नीचे मिल गई थी, देखकर लगा कि जरूर आपकी और आपके किसी गहरे दोस्त की होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जोड़कर दीवार में कहीं लगा दूं। बहुत खूबसूरत है ना साहब जी? माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ दुखाया, और बहुत दुखाया। ये तस्वीर हमारे दोस्त की थी, लेकिन अब सबसे बड़े दुश्मन की है। कौन है ये साहब जी? इसे लोग वीर सिंह के नाम से बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, वो वीर सिंह? तुम उसे कैसे जानते हो? हमारे गांव कटकपुर में आपकी और वीर सिंह की बहुत बातें होती हैं। ओह, क्या बातें चलती हैं? यही कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और वीर सिंह कोई खास अच्छा आदमी नहीं है। सोडा लाओ, सोडा लाओ। जी सभी कहते हैं शराब पीने से कलेजा जलता है। कलेजा जलता है तभी शराब पी जाती है। मतलब? तुम अभी बच्चे हो, ये बातें नहीं समझोगे। साहब जी, उस दिन आपका इंसाफ देखकर तो मैं आपको और भी मानने लग गया हूं। कौन सा इंसाफ? जी वही जो आपने उस श्याम जी को बच्चा कबूल करने के लिए कहा। वो उनका बच्चा था, उन्हें कबूल करना ही चाहिए था। एक बात पूछूं साहब जी? हाँ हाँ पूछो। तो क्या कुणाल को अपना बच्चा कबूल नहीं करना चाहिए था? जाओ। मैंने कोई गलत बात? तुम जाओ यहां से। सुनो, वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी, वो बात थी वीर सिंह की। वो वीर सिंह सरे बाजार हमारी इज्जत नीलाम करने आया था, हमारे खानदान को जलील करने आया था। क्या कुणाल ने हमसे कहा कि वो बच्चा उसका है? लेकिन अगर कुणाल कहे तो आप मान लेंगे साहब जी? नहीं, हरगिज नहीं। ये जिंदगी की ऐसी गहरी चोटें हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते। तुम जाओ। माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया।
अजीब लड़के हो, पहले दिल दुखाते हो और फिर माफी मांगते हो। मेरे दादू भी यही कहा करते थे। दादू? फिर तो वो जरूर बहुत समझदार आदमी होंगे। माफी साहब जी। ये लो चाबी, राजा के कमरे की है, आज से तुम इसकी देखभाल करोगे। मालिक का हुक्म, नौकर की जान। और देखो एक बात और याद रखना, आज के बाद कभी हमारे उस दुश्मन का नाम मत लेना। अब मेरा घर बसा दो बुआ भी, मैंने ये राधा बहुत पसंद है। राधा से तूने पूछा है कि तू उसे पसंद है या नहीं? आह, रानी आई ना महलों से, अरे ऐसा छोरा कहाँ मिलेगा, 3 एकड़ जमीन, अकेला मरद, जा बेटा तेरी शादी पक्की। बुआ भी, लेकिन अषाढ़ का महीना जाने। बुआ भी, क्या बुआ भी? अरे भाग जागे चोरी के, जो कानिया ने पसंद आ गई, नहीं तो धक्के खाती फिरती। मेरी जान, खिड़की बंद कर लो, दुश्मनों की नजर लग जाएगी। तू मुझको याद न करना, तू
को याद न करना। नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती ये कंगन तेरे लिए। नहीं नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारे कंगन। अरे तू मेरी होने वाली बीबी है, छोड़ो मेरा रास्ता। इतने प्यार से तेरे लिए। भाभी तुम सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, इसकी शादी कहाँ होगी, ये कहाँ जाएगी, कहाँ उठेगी बैठेगी, इस बात का फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। मैं के जादू चलाया तुझ पर? ये लड़की आज तक हमसे झूठ बोलती आई है बुआ भी। झूठ? ये सुमित्रा की बेटी नहीं बल्कि मेरी चचेरी बहन अमिता की बेटी है। इसकी माँ मेरे बचपन की बड़ी पक्की सहेली थी और बड़े रईस खानदान की थी जी। आज से ये इस घर में नौकरानी नहीं रानी बनकर रहेगी। माँ जी चल बेटी। माँ जी आंसू पोंछो और चलो। अरे जय तुम्हें भी सोचते था कि हमारी राधा बेटियां जो है ना है किसी अच्छे खानदान की लड़की। आपको पता है कितनी इज्जत थी इसके बाबा की हमारे गांव में। अच्छा हाँ, और उतनी दिलवाली थी अमिता। देखा बेटी कैसे तारीफ कर रही है अपने बचपन की सहेली की। अरे मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरी तो बहुत दोस्त थी। हाँ तो हमारी कौन सी दुश्मनी थी, बन गया दुश्मन कट्टर मेरी संतान का बैर। बड़े बाबा आप भी तो उसके संतान के बैरी बने हैं। राधा जी जा तू जाके खाना परोस। हाँ। क्या कह गई है इसको हमारी स्टोरी क्या मालूम, क्या पता इसको हमारी स्टोरी का। साहब जी हॉल में पार्टी चल रही है, आप नहीं गए? तुम हमारे पास बैठे रहो, उस पार्टी में सब जाहिल इकट्ठे हैं, वहां हमारा क्या काम। क्या बताएं कृष्णा, किस किस को समझाएं। चलो अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने। जे दीवानगी तो पागलपन का दूसरा नाम होवे। इसका मतलब? इसका मतलब कि जिस बैरी की तू बात कर रही थी ना, ये राजेश्वर तो बचपन से ही पागल था। पर बड़े बाबा मां जी तो कह रहे थे कि आप दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। थे ना? बचपन था बेटी, बेवकूफ थे, अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तुम्हें कोई गाना आता है? जी हाँ एक आता है। कौन सा? जी वो इमली का बूटा बेरी का पेड़। सुनाओ साहब जी। तुम सोडा डालो। अब तू खाना लगा बेटी, और देख खाना लगाते समय ना दुश्मनों की बात नहीं करते। जी। हाँ।
तुम जो तस्वीर जोड़ रहे थे ना जिसकी, वो और हम ये गाना गाया करते थे। हाँ ये गाना। लेकिन मैंने तो सुना है वीर सिंह ने आपको पढ़ाया है। वीर सिंह ने राजेश्वर सिंह को पढ़ाया, उस जाहिल ने? अरे वो तो अब तक अपनी भाषा हिंदी नहीं बोल सकता ठीक तरह। वो कृष्णा स्कूल नहीं जाया करता था। स्कूल के अंदर नहीं बेटे, मैं तो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था घंटों, इसका इंतजार कर रहा था मैं। हाँ? और रोज रात के गरम गरम दूध पिलाता था। अच्छा, ताकि इसके दिमाग में तरी रहे, ठंडक रहे, पढ़े ठीक तरह से, बराबर अच्छी तरह से जिंदगी में तरक्की करे, बड़ा आदमी बने। बन तो गया बड़ा आदमी, बड़ा सौदागर। पर फिर इसका इतना सा है, इतनी मोहब्बत थी हमें उससे। हम उसकी बैलगाड़ी को धक्का दिया करते थे, धक्का धक्का देते देते टांग तुड़वा ली थी हमने उस दिन। जब उसकी टांग टूट गई थी ना, तो हमने भी अपनी टांग बनवा ली, पर हमने ले लिया था। 7 दिन तक एक ही टांग पर टिक टिक खड़ा रहा है। अच्छा, अरे वो दोस्ती क्या समझेगा, हम विदेश जाकर भी उसे नहीं भूले। राजू से राजेश्वर सिंह हो गया, और ऐसा भी बदला कि बंदूक ही तान ले। बड़ा भयानक धोखा दिया उसने हमें। हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली, और बदले में उनने कैसा घाव दिया मुझे, मेरे जवान बेटे विशाल का खून करा दिया। विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम, और उसने हमें कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल करवा दी। जेल तो जेल का मैंने कराई थी, किसने बिछाया था वो जाल? घर में तो खुद ही पाल रखे हैं सांप और बिच्छू। एक बूंद पानी भी मांगेगा हमसे तो हम नहीं देंगे उसे, नहीं देंगे। गद्दार कहीं का, घमंडी, जाहिल, हट्टी, कमार, पाखंडी, एक नंबर का पाखंडी। मैं बोलूं तो मैं तेरे राम कहानी क्यों सुना दिया? देख बेटी, राधा बेटी, तू तो आप रही है ना जी। तो जज्बात है ना, वो उबलाते हैं बाहर, पर जब बात मैं तिसकी है ना, ये तेरे मेरे में ही रहनी चाहिए। ठीक है, किसी और को नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। और बाकी वो जो है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी आप दोनों कभी नहीं मिल सकते साहब जी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये आपने किस नाटक में फंसा दिया हमें मदारी काका? जिंदगी एक नाटक ही तो है बेटी, और आज इस नाटक के महारथी को हमें एक सबक सिखाना है। वो आ रहा है, तुम समझ गई ना? ये लो जाओ। बड़े बाबा, के सिखाया था नहीं गाना? पहले बताइए, अच्छा था कि नहीं? पुराना गाना होए, आज के बाद एक खन्ना में एक गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन सारा जमाना गाता है इसको। दुनिया गाती होगी पर तू नहीं गाना है। मैं गाऊंगी। तू गाएगी? हाँ। तू गाएगी? हाँ गाऊंगी। फिर मेरे घर में नहीं रहेगी तू? इसका मतलब आप मुझे घर से निकाल देंगे?
घर से नहीं, तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं। वाह दादा वीर वाह, मैं तो तेरे पुत्ते को स्वर्ग में बिठा कर आ रहा हूँ और तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, वाह। तो यार ये सलूक की बात नहीं है, सलूक की बात नहीं है, ये वो गाना गा रही थी, वो गाना। तो गाना तेरी जागीर है क्या? हिटलर बन गया तेरा बस चले तो तू आरती बंद करा दे, वो कौन सी है? हाँ वो ओम जय जगदीश हरे वाली। ओ जगदीश हरे की बात नहीं हो रही है, उस गाने की बात हो रही है, वो जिससे दिल पे चोट लगे है। दादा वीर पत्थरों को चोट नहीं लगा करती, चल बेटी इस पत्थर के साथ नहीं रहना, चल तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी, चल। क्या 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 ओ किया लेके जा रहा तू इन्हें? क्या लगती है तेरी ये है? क्या लगती है? तू पूछे है, पूछे क्या लगती है जबकि मेरे दिल का टुकड़ा बन गई है वो। दिल का टुकड़ा? तभी टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने इसके दिल के। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये दादा वीर कि जब इन टुकड़ों को जोड़ने का ख्याल आ जाए ना तेरे दिल में, तब आ जाइयो मेरे पास और ले जाइयो इसको। चल बेटी। हा? हा? ओ राधा बेटी, ओ राधा बेटी, लगा रखी है तूने, उस घमंडी की तस्वीर लगा रखी है। तेरा ही तो दोस्त है ना? था 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 था, अब कोई दोस्त दोस्त नहीं है मेरा। तेरे गुस्से में मन ने मोहब्बत की झलक नजर आ रही है दादा वीर। मोहब्बत? तेरे को मेरे चेहरे पे मोहब्बत दिखाई पड़े है, और तेरी अखियों में तो मोतिया हो गया मंदारी, तू बुढ़ा हो गया तेरे दिखाई ना पड़े। अरे गाना तो तू उसी का गा रहा था। देख देख इसके इसके बाप का गाना आया है। ठाकुर राजेश्वर सिंह। और राजेश्वर चुपके बैठा तू चरिया में, ओ महलों में बाहर निकल, निकल कर देख कौन खड़ा है तेरे सामने में। ये है दादा वीर। तो पैसे क्या कमा लिए और अपने आप की बड़ा तोप समझे तो ओए, इसी मट्टी में से तो बड़ा होया तू, अब भूल गया अपने गरीब भाइयों के, ओ नाले वाली स्कूल में पढ़ा था, भूल गया इसके तो
पजामे में नारा बांधना नहीं आ रहा था, मैं सिखलाया कि नहीं, और अब देखो तमाशा, मेरे ललकारे हो, मेरे ललकारे, मेरे चैलेंज करे, मालूम है बैठ के ना अंग्रेजी पार्टी करता है, अंग्रेजी दारू पीता है खूब, डैम ब्लडी फुल को डम यार, अंग्रेजी मारता है, ओजरा इधर आओ जमीन के ऊपर मेरे सामने, और देसी दारू पी, देसी कर्री चका चक, अब फिर कर तू मेरे सामने पास गोली चलाता है, और अब ये आसमान के ऊपर, ओ बाबू साहब, वो जब गोली चलानी हो तब मेरी छाती के ऊपर चलाओ। ओए बिल्ली का पूजा तेरी का पेर इमली खा जंगल में कई से तुम्हारे नाम में माइकल थापा ने हांगकांग बैंक में 2 करोड़ रुपया जमा किया, मगर इस जायदाद का कागजात हमको अभी तक नहीं मिला। आप भी कैसी बात करे हैं थापा साहब, ए मेरा मोंटी बहुत जल्द ठाकुर खानदान का दामाद बनने वाला है, उसके बाद सारा पाली नगर आपका। आई डू नॉट नो मोंटी, आई डू बिजनेस, नो ट्रिक विथ माइकल थापा, ओके? तो आपको करण और राधा का रिश्ता पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं जीजा जी, लेकिन सनातनपुर के खतरे को देखते हुए मुझे तो लगता है कि राधा बिटिया की शादी अपने घराने के किसी लड़के के साथ हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का है? लो अपना मोंटी, आपका बछड़ा मोंटी जी। बड़े हैं आप, थप्पड़ मार भी सकते हैं जी। सुना है आपको बड़ा जोरदार थप्पड़ पड़ा है? हाँ पड़ा है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी यू चूनिया। ए? माइकल थापा के काले चश्मे में मन ने बड़ा गुस्सा दिख रहा है, तू पेपर का इंतजाम कर, पेपर का, और राजेश्वर के दस्तखत के साथ। बड़े मामा कुणाल। मामा मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, वो बच्चा मेरा है और मुझे कबूल है, लेकिन बड़े पापा से आप ही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज मामा, मैं आपके पांव पड़ता हूं। बलिराम टेलीफोन कट कर और मेरा इंतजार कर। माय गॉड, मुझे बचा लो मामा, मामा मुझे बचा लो प्लीज। बछड़े जैसा मैं कहूं वैसा कर। हाँ मामा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कुणाल। मेरी बात समझो राधा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे ले जाने आया, चुनिया मामा ने खास भेजा है मुझे। चुनिया मामा? चुनिया मामा सबको तबाह करना चाहते कुणाल, और ये बच्चा मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं ले जाने दूंगी। तुम अपने भाई को इनकार कर रही हो? हाँ भाई को, क्योंकि मैं वासु के संघर्ष को नहीं बुला सकती, क्योंकि हमारे घर में 3 महीनों से नौकरों की तरह काम कर रहा है। तो क्या वासु पालीनगर में है? हाँ, वो हमारे घर में बड़े बाबा का दास बना बैठा है और मैं यहाँ पे दासी। बात सुनो राधा, घर चलो, यहाँ खतरा ही खतरा है। नहीं!
जल्दी भाग जा। भाभी काका, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा नाम बासु है कि नहीं? नहीं। झूठ बोलता है हरामजादे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे सच सच बता दे। नहीं तो बोल, वीर सिंह की औलाद है कि नहीं? नहीं। अपने मुंह से कबूल कर ले, जान बच जाएगी तेरी, नहीं तो। हाँ, अब मैं कबूल करता हूं कि मैं दादा वीर सिंह का पोता हूं, विशाल का बेटा हूं, लेकिन मैं यहां किसी की हत्या करने नहीं आया था। मैं तो यहां प्रेम का संदेश लेकर आया था, प्रेम का संदेश। राजा साहब, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी और दादा वीर की महाभारत का सबसे बड़ा शकुनी है चुनिया मामा ही है, इस आस्तीन के सांप से बचेगा। तुम इसे छोड़ो और हमारे सवालों का जवाब दो। इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता राजा साहब। क्यों? क्योंकि किसी से मेरा वादा है और वो मुझे बुला रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो इसे। नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे। क्यों जीजा जी? हम शिकार पर लोमड़ियों को नहीं सिपाहियों को भेजते हैं। भैया तुम जाओ, पकड़ो उस लड़के को। है, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? कल सुबह होली और आज इस पार्टी में सभी मेहमान आए हुए हैं। मुझे आपकी शरण लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला माथुर साहब। तुम्हें तो मालूम है कि मैंने इस पार्टी में राजेश्वर और दादा भीर दोनों को दावत दे रखी है, अगर वो यहाँ पहुंच गए तो कयामत हो जाएगी। कयामत तो आ चुकी है माथुर साहब, अब तो बस। देखो बेटे, तुम्हारी यह गलती से कई बेगुनाहों का खून हो सकता है। बॉयज पकड़ो इनको। सुना है कि परसों से आपकी दुनिया में प्रेम करने वालों की हत्या होते आई है, लेकिन आज यहां हत्या नहीं आत्महत्या होगी। अगर किसी ने भी हमें छूने की कोशिश की तो हम इस आग में कूदकर जान दे देंगे। यह कसम है हमें हमारी मोहब्बत की। जमाना कर ले अब कुछ भी।
धीरज रखो दादाबीर। आपके दस्तखत चाहिए। वो क्यों? पापा ने माइकल थापा को आपका पुराना किला एक सौदे में बेच दिया है। पाली नगर के सौदागर हम हैं या तुम्हारा बाप? आप थे, अब नहीं। वक्त बदल चुका है ठाकुर साहब। हाँ, बदलते हुए वक्त को तो हम देख रहे हैं, तो तुम्हें हमारे दस्तखत चाहिए। जी हाँ, अभी और यहीं। हम तुम्हारे बाप को एक नहीं, बहुत से दस्तखत देंगे, अभी और यहाँ। सर बाबू, दस्तखत करने के लिए सारी जिंदा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गॉड कसम बुलेट काट देता थारे सीने में। अरे बलीराम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी। चला गोली। राजेश्वर बाबू, इस सौदे में घाटा तो थारा ही है। बड़ा वे भी चुनिया, मिटा वे भी चुनिया, बड़ा हरामी है सारा चुनिया। 14 साल की तने जेल करा दी चुनिया ने मेरे हाथों, और तेरे पीछे से पाली नगर की जमीन का 1-1 इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने हाथों। और राजेश्वर, तू तो रंग हो गया। अब दस्तखत करने में एक फायदा है, तेरी छोरी की इज्जत बच जाएगी, नहीं तो कोठे पे नचाऊंगा तेरी राधा को। चम चम बलिराम। रामजादे, तूने अपने गलीज गंदे मुंह से राधा का नाम लिया, मैं तेरा मुंह फाड़ कर। छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए, हट जाइए बलिराम। छोड़ दो राजू, और छोड़ इसको, मर जाना इनने। वीरू, इसने राधा का नाम लिया, इसने हमारी सर पर हाथ डाला। बाजारी कुत्ता है ये, छोड़ दे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज, मैं इसकी जान लेकर करूंगा। इसने राधा का नाम लिया, हमारी सर पर हाथ डाला। वीरू, वीरू, ये वही बली है जो बचपन में उससे पिट चुका है, पहले भी हरामी था और अब भी हरामी है। इसका साथ दे रहा है, इसने कहा। अरे जिंदगी भर तेरे जूते चाटेगा ये, पर छोड़ इसको। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज, जान लेकर करूंगा। मैं इसकी जान ही जान दे, वीरू छोड़ दूंगा, नहीं लेगा। भगा दिया ना उस कमीने कुत्ते को। हाँ, छोड़ दिया, भगा दिया उसके। वो तू क्या पागल हो गया राज, तेरे हाथों मारा जाएगा ना तो उसका तो काम हो जाना। और तेरा क्यों होना है, ये सोचा भाई साहब, तू अदालत के कटहरे में ना कातिल बन के खड़ा हो जाना है। अब फिर से वही रुसवाई, वही जेल की सलाखें, और 14 साल कैद बाबू शक्कर। ये नपुंसक कड़िए सारे, ये दिलों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले, ये तेरे दिल में जो नसूर बन के जहर दौड़ रहा है ना, ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रहा है, इसका बीज इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया वो नफरत का बीज। Yeah!
भूल जाओ यार दादा वीर, जो हुआ सो हुआ, आओ दारू पियो यार, चीयर्स। होली की टोली आई। होली मुबारक हो सर। हाँ थैंक यू शर्मा। आओ दादा वीर, हम सबसे पहले होली तुम्हारे साथ खेलेंगे। ना कर्नल साहब, दादा वीर के तो वर्षों हो गए होली ना खेली उनने। क्यों? बस मन ना किया तो ना खेली होली। मौत हुई थी किसी की? आप ऐसे समझ लो कर्नल साहब, ये कोई मर गया तो मेरा, मौत हो गई थी उसकी। ओहो गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर, होली प्यार का त्योहार होता है। मन ने किया ना कुछ ही कर लो कर्नल साहब, पर मेरे ऊपर रंग ना फेंकना आज आपको। हम फौजी लोग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर। आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई जो जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर रंग फेंक जाए। हां कर्नल, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। कभी नहीं हो सकता थापा, ऐसा कभी नहीं होगा। राजेश्वर को यहां लाना होगा और उसे मेरे बेटे के खून का हिसाब चुकाना होगा। हे राजू चल बीरू, हे राजू चल बीरू।
मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कुणाल बच्चे को लेके भाग गया और सारा गांव उसका पीछा कर रहा है। आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है बेटा। एक दिन तेरे बाबा भी ऐसे ही गए थे और कभी लौट के नहीं आए। इसीलिए तो जाना है माँ, यही तो देखना है कि आज प्रेम की बांसुरी जीतेगी या नफरत की तलवार। रामजादे, तू फिर यहाँ आ रहा था? हम भी इन्हें बता दें कि बगावत क्या होती है। राजा रुक जा, राजा हरामजादे। मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है प्रेम की रक्षा के लिए। बाय गॉड, आ रहा था। बच्चे डरो नहीं मेरे बछड़ो, अरे 40 साल की सेवा के बाद राजेश्वर ने मुझे निकाल दिया, तुम तो चार मिलने में रोने लगे। प्रेम और विश्वास का दुश्मन है राजेश्वर, है तुम दोनों की शादी हम करवाएंगे आज और अभी, और देखते हैं कौन ससुरा उंगली उठाता है तुम पर। और देवण, उसे तो प्यार से ठंडा करके भेज दिया। बच्चों और मासूम लोगों में नफरत की आग फैलाकर आदमी सनातनपुर और पाली नगर का राजा तो बन सकता है, पर वो भूल जाता है कि अंत में वही आग उसे भी पकड़ लेती है। देखना ये है राजेश्वर दादाबीर कि कैसे रोकोगे आंधी, कैसे बुझाओगे आग। इन सब तारों में बिजली का करंट लगा दिया गया है। माय गॉड, और उस गेट पर बॉम्ब नेट लगा दिया गया है, जो भी गाड़ी आएगी उड़ जाएगी। Really? Gajja, kamine! Gagan!
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा तुम गर्दन को नहीं मारोगे? आज मैं इनके पूरे खानदान को मार दूंगा। नहीं नहीं, गगन और वासु हमारे दोस्त के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। हमारी दोस्ती के टूटे हुए दांत जुड़ चुके हैं मेरे बेटे। दोस्ती आपने की है, हमने नहीं। हमारी राजगद्दी पर इन भीखमंगों को राज नहीं करने दूंगा। नहीं गजा, तुम्हारे वासु ने मेरी बेटी पर कच्चा, मेरा हाथ पकड़ ले कच्चा, मान ले मेरी बात, अब तो दुश्मनी भूल जा, पकड़ ले दोस्ती का हाथ, अब तो एक हो जाए मेरे भाई, मेरे भाई। गगन, शाबाश, आ जा। अब तो बड़ी देर हो गई बछड़ो, आजा। तुम्हारा दूल्हा? नहीं। यस डाली, उनके आने से पहले तुम्हारी शादी वासु से नहीं, मुझसे होगी। राजेश्वर, मैं हम दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं, नफरत के सौदागर हैं आप लोग। ठीक है बेटी, आज हम तुमको बताएंगे हम दुश्मनों की दोस्ती। चल मेरे साथ। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं। चल मेरे साथ, आज हम तुमको बताएंगे हम दुश्मनों की दोस्ती। Thank you.
जाने दो। He's dashing. बीरू, अरे कहाँ है तू? अरे यहाँ बैठा हूँ। बेरी के ऊपर तेरे पास गर्दनों पे सवार हूँ दुश्मनों की। ए चिड़िया, आस्तीन के साथ अरे बाहर निकल। मेरे यार को बरसों मुझसे दूर रखा, मैंने विशाल की हत्या की। आज अगर हमारे बच्चों को जरा भी छुआ ना तो हड्डियों का पंजर निकलेगा यहाँ से। अरे बीरू, अरे बीरू, तुझे खून बह रहा है बेवकूफ। तेरे यार का खून है राजू, जो बहते बहते भी जाएगा। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे। क्या किया तूने मेरे यार? अरे गोलियां मुझे कुछ नहीं यार। बीरू यार, अब कुछ गड़बड़ नहीं करना। तुझे मेरी दोस्ती की कसम बीरू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र गुजारी है तेरी दोस्ती के लिए। मैं भी तो जिया हूँ बीरू तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। नहीं छोड़ना एक दूसरे ने, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा बीरू। और बीरू देख, मैं अभी जाता हूँ, वासु को लाकर तेरी गोदी में डालता हूँ। और बीरू तेरे देखते 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 चुनिया को लेकर आता हूँ, और चुनिया को तेरे कदमों में लाकर पटकूंगा और उसे तेरे सामने मारूंगा। बीरू बीरू तो फिक्र मत कर, तू रुका रहे, मैं अभी आया, मैं अभी आया। मैं हूँ। He's coming, sir. Let him come. Enough shooting. Talk business. हमारे आदमियों ने आपको शूट नहीं किया क्योंकि हमें आपका दस्तखत चाहिए। माइकल थापा, हम तुम्हारे सप्पे को साइन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। शर्त बताइए और यहाँ दस्तखत कीजिए। छोड़ दो इसे। आपने हमें गढ़ दिया, हमने आपको चुनिया दिया। लेट्स गो। माइकल थापा, जी राजेश्वर जी, हमारी दोस्ती का खून करने वाले आज हमें तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा खून। तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तूने मेरे बच्चों को छुआ। नहीं चुनिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं मरूंगा, मेरे दोस्त के खून का हिसाब तुझसे लेकर रहूंगा, तुझे उसके कदमों तक ले जाऊंगा। वीरू, आज कुत्ते को ले आओ तेरे कदमों में। मैं तुझे नहीं दूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा तुझे। मैं चुनिया, वीरू और कुशल ऐसे कौन से वीरू। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बीरू। बीरू, तुझे तो मैं कह के गया था कि तू रुके रहे ना। ये तो बीरू, ये तो मेरे साथ बड़ी सख्त बेवफाई हुई है। का विनाश भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है। और फिर फैलती है प्यार की रोशनी।